जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, अगर आप भी खाने के बीच में पानी पीते हैं तो ये आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, यानी बदल दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो ये आदत जितनी जल्दी हो बदल दीजिए, क्योंकि हाल में एक रिपोर्ट आई है, उसमें इस आदत को सेहत के लिए खतरनाक बताया है। खाने के बीच में पानी या सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सारे लोग पीते हैं, वो उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। यही नहीं, ये आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम छोटी छोटी दो तीन प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे। इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। खाने के बीच में पानी पीने से खाने की पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। खाना पेट में ज्यादा देर तक रहने की वजह से एसिडिटी होने लगती है। पेट, छाती और गले में भी जलन होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका पेट भी खराब रहने लगता है और आपको सुबह फ्रेश होने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इंसुलिन का स्तर बढ़ाता है। खाने के बीच में पानी पीने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, इससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यहाँ तक कि इससे खून में ग्लूकोज के बढ़ने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। दोस्तों, ये मोटापे की वजह भी बन रहा है। खाने के बीच में सॉफ्ट ड्रिंक और पानी पीने की आदत मोटापे की बड़ी वजह बन सकती है। दरअसल, खाने के बीच में पानी पीने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, इसकी वजह से शरीर में वसा का जमाव बढ़ जाता है और वजन बढ़ता है। तो आप जितना जल्दी हो सके खाने के बीच में पानी पीने की जो आपकी आदत है उसको आज से ही स्टॉप कर दीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।